नमस्कार दोस्तों, और व्यापार में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप व्यापार के अंदर बैलेंस शीट रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। बैलेंस शीट एक वो रिपोर्ट है जो आपको आपके बिजनेस का ओवरऑल समरी देने में हेल्प करती है। इससे आपको आपके बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल अकाउंट और इक्विटी के बारे में जानकारी मिलती है। इसे आपका CA यूज कर सकते हैं आपकी टैक्स फाइलिंग के टाइम, इसे कोई भी बैंक या लेंडिंग एजेंसी यूज करेगा आपको लोन देते टाइम, और बाकी फाइनेंशियल ऑडिट्स में भी इसका यूज किया जाता है। तो आइए देखें कि व्यापार में आप एक बैलेंस शीट रिपोर्ट कैसे यूज कर सकते हैं। व्यापार में बैलेंस शीट जनरेट करने के लिए व्यापार ऐप खोलें और टॉप लेफ्ट मेन्यू से रिपोर्ट्स में जाएं। रिपोर्ट्स के जाने के बाद आप ट्रांजैक्शन के अंदर बैलेंस शीट देख सकते हैं। बैलेंस शीट पे टैप करते ही आपकी बैलेंस शीट जनरेट हो जाएगी और इसको आप किसी भी अपनी सुविधा अनुसार फ्रॉम और टू डेट पर जनरेट कर सकते हैं। यूजुअली एक बैलेंस शीट करंट फाइनेंशियल ईयर यानी करंट वित्तीय वर्ष के पहली तारीख से आज की तारीख यानी करंट तारीख तक जनरेट की जाती है, जैसा कि यहां सेट है। आप कैलेंडर आइकन को दबाकर इसे कभी भी चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं बैलेंस शीट के दो भागों को। बाएं हाथ पर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर एसेट्स होती हैं। एसेट्स वो सब कुछ है जो आपका बिजनेस ओन करता है। आइए देखते हैं इसके अंदर की हेडिंग्स को। सबसे पहले है कैश इन हैंड। ये वो पूरा कैश है जो आपके बिजनेस में इस समय है। याद रखिए, ये वही कैश दिखाएगा जो आपने व्यापार में एंटर कर रखा है। इसके बाद है बैंक अकाउंट्स। आपने व्यापार में जितने भी बैंक अकाउंट्स ऐड कर रखे हैं वो सब कुछ, वो सारे यहां पे आएंगे और उनका बैंक बैलेंस यहां पे दिखाई देगा। इसके बाद अगर आपने कुछ चेक में पेमेंट्स लिए हैं और उन चेक्स को व्यापार के अंदर किसी बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है तो वो अनडिपॉजिटेड चेक्स के अंदर आएगा। इसके बाद वो सारा अमाउंट या वो सारा पैसा जो आपको अभी तक मिला नहीं है और आपको मिलने वाला है आपकी पार्टीज से, आपकी क्रेडिट सेल्स के लिए, वो अकाउंट्स रिसीवेबल या सन्ड्री डेटर्स के अंदर जाता है। इसके बाद आपके स्टॉक का पूरा वैल्यू करंट टाइम पे, करंट टाइम यानी कि बैलेंस शीट के रन होने के टाइम पर आपके स्टॉक की पूरी वैल्यू इन्वेंटरी ऑन हैंड या क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जाती है। इसके बाद अगर आपने परचेज ऑर्डर बनाया है और ऑर्डर बनाते टाइम आपने कुछ अमाउंट पे किया है तो वो एडवांस परचेज ऑर्डर के अंदर जाता है। इसके बाद वो सारा टैक्स क्रेडिट जो आपको गवर्नमेंट से कलेक्ट करना है उन सभी परचेजेस के लिए जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजन के अंदर करी है वो टैक्स रिसीवेबल के अंदर आता है। इन सारी हेडिंग्स के अमाउंट का जो टोटल है, जो सम है, वो आपके बिजनेस के टोटल एसेट्स बताता है। इसके बाद जो दूसरा भाग है वो आता है लायबिलिटीज के अंदर। इसके अंदर हम लायबिलिटीज दिखाते हैं। लायबिलिटीज यानी कि वो सब कुछ जो आपका बिजनेस दूसरों को ओ करता है। साथ ही साथ इसके अंदर हम कैपिटल अकाउंट भी दिखाते हैं। इसकी डिटेल्स को जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लायबिलिटीज को। सबसे पहले वो सारा पैसा या वो सारा अमाउंट जो आप अपनी पार्टीज को ओ करते हैं अपनी क्रेडिट पे ली हुई परचेजेस को, वो अकाउंट्स पेबल या सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाता है। अगर आपने कोई एडवांस अमाउंट लिया है और सेल ऑर्डर बनाया है तो वो एडवांस सेल ऑर्डर में जाएगा। इसके बाद वो सारा टैक्स, वो सारा सेल टैक्स जो आपने कलेक्ट किया है अपनी पार्टी से, जिसे आपको अपने टैक्स को फाइल करते टाइम गवर्नमेंट को पे करना है, उसे हम टैक्स पेएबल के अंदर दिखाते हैं। इसके बाद अगर आपने कोई परचेज चेक के थ्रू किया है और आपने उस चेक को अभी तक विड्रॉ नहीं किया है व्यापार के अंदर एंटर्ड किसी एक बैंक में, तो वो अनविड्रॉन चेक्स के अंदर दिखाता है। इसके बाद हम आपका कैपिटल अकाउंट और ओनर्स इक्विटी देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहली चीज होती है ओपनिंग बैलेंस इक्विटी। ओपनिंग बैलेंस के अंदर वो सारा कैश, वो सारा बैंक बैलेंस और वो सारा इन्वेंट्री स्टॉक का अमाउंट आता है जो आपके बिजनेस में इस समय है। इसके बाद आती है ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी वो सारा पैसा है जो आपने खुद अपने बैंक, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। इसके अंदर ट्रांजैक्शंस जैसे कि ऐड या रिड्यूस कैश, ऐड या रिड्यूस बैलेंस आती हैं, क्योंकि व्यापार में ऐसा अज्यूम किया जाता है कि अगर आप ये ट्रांजैक्शंस बना रहे हैं तो आप अपनी जेब से अपने बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं। इसके बाद आती है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स
जो कि होता है आपका टोटल नेट प्रॉफिट, जो कि आपके बिजनेस ने बैलेंस शीट की स्टार्टिंग डेट से पहले कमाया था। तो ये आपकी अर्निंग्स या आपकी इनकम बैलेंस शीट रन होने के पीरियड के पहले की होती है। इसके बाद आती है आपकी नेट इनकम यानी कि नेट प्रॉफिट, जिसके अंदर आपने जो भी प्रॉफिट कमाया है उस टाइम में, जिस टाइम में आपकी बैलेंस शीट रन हो रही है, यानी कि बैलेंस शीट की फ्रॉम और टू डेट के बीच में आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया है वो इसके अंदर आता है। आपका ये जो अमाउंट है, ये जो नेट इनकम या प्रॉफिट का अमाउंट है, ये वही होगा जो आप अपनी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट को अगर सेम डेट पर चलाएंगे तो उसमें दिखेगा। अगर हम इन दोनों का सम करें, यानी कि आपके इक्विटी और कैपिटल और करंट लायबिलिटीज का, तो ये हमेशा एसेट्स के बराबर आता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। तो हमेशा एक बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स विल बी इक्वल टू आपके टोटल लायबिलिटीज और आपकी जो नेट प्रॉफिट या नेट इनकम है। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से बैलेंस शीट को समझने में और व्यापार में यूज करने में सुविधा हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसने आपको बैलेंस शीट को यूज करने में मदद की होगी। अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारे हर नए वीडियो का अपडेट तुरंत मिल जाएगा। साथ ही इसे और बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए हमने कई ब्लॉग्स भी लिखे हैं, जो कि आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। अगर आपको व्यापार को यूज करने में कोई दिक्कत है या फिर और कोई भी सवाल है तो आप हमें इन नंबर्स पर कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको व्यापार यूज करने में मजा आ रहा होगा। हैप्पी व्यापारी।